स्टूडेंट, मैं हूँ सर असरात। आज हम मैट्रिक क्लास का यूनिट नंबर 1 द ऑब्जेक्टिव सेट डिस्कस वो आज कम करेंगे। रिवीजन सेट ये तो हम 6, 7, 8 से पढ़ते हैं कि सेट किसे कहते हैं। सेट इज अ फंडामेंटल इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सेट के मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है रिकॉल, जिसको हम किसी भी सेट को हम ए अल्फाबेट्स कैपिटल से शो करते हैं और उसके जो अंदर के एलिमेंट होते हैं द सेट ऑफ द एलिमेंट उसको हम स्मॉल ए बी सी से शो करते हैं। सेट्स ऑफ नंबर ये आप 6, 7, 8 से ही दोबारा पढ़ते हैं, इसको हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, एक थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। नेचुरल सेट किसे कहते हैं? नेचुरल सेट कहते हैं जो 1, 2, 3 यानी 1 से शुरू होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, उसको एन से इसका शो किया जाता है। होल नंबर, होल नंबर को हम डब्ल्यू से शो करते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3। और इसी तरह इसके बाद इंटीजर नंबर को हम जेड से शुरू करते हैं। इंटीजर नंबर दो तरह के होते हैं, 0 से शुरू होता है वो 1 प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है, वो प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का माइनस का भी 2 हो सकता है। बस 0 पे कोई चार्ज नहीं होता, ना वो प्लस का होता ना माइनस का। इसी तरह पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो अदद है जिसको हम पी, वो सेट है जिसको हम पी से शो करते हैं, और वो अदद जो किसी अपने टेबल में आता हो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर वो अदद जो कि दो के टेबल से तकसीम नहीं होता हो उसको ओ से शो से हम शो करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह ऐसे आगे तक। इवन नंबर दो का इवन नंबर, इवन नंबर को ई से शो करते हैं क्योंकि इवन नंबर ई से शुरू हो रहा है, ई वी एन, इसलिए ई से शो करते हैं। और इवन नंबर जो दो के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 और आगे ETC वगैरह। फिर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज तो हम क्यू से शो करते हैं, एक्स सच डेट एक्स पी, पी और क्यू दोनों को, पी एंड क्यू जो कि बिलोंग करते हो इंटीजर नंबर से, इंटीजर नंबर से, तो इसलिए इसका जो भी जवाब आएगा यानी इस रैशनल नंबर का वो 0 नहीं होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा, यानी 1, 2, 3 जो कोई ना कोई डिजिट में ही होगा। उसके बाद है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम क्यू माइनस से शो करते हैं कंप्लीमेंट से, उसका भी इसी तरह लिखने का अंदाज यानी ऐसे ही है जैसे x सच डेट x यहाँ पर इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का सिंबल है वहाँ इक्वल था या नॉट इक्वल। p को डिवाइड करेंगे हम q से, p को जो भी p आता है उसको q डिवाइड करेंगे, तो पी क्यू बिलोंग टू, जो बिलोंग टू ताल्लुक रखता होगा इंडिया क्या कहते हैं इंटीजर नंबर से, और उसका भी जो हल या जवाब होगा वो 0 नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा। इसी तरह रियल नंबर, रियल नंबर q जो कि रेशनल नंबर का यूनियन और इरेशनल नंबर का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। उसके बाद है नोटेशन के, किस को सेट को जाहिर करने के कितने तरीके हैं, ये आप पहले भी 7 में से है और 8 में पढ़ गए हैं। टेबुलर फॉर्म सेट को जाहिर करने के यहाँ पर दो तरीके बताए गए, लेकिन मैट्रिक में तीसरा तरीका भी है, वो है बिल्डर फॉर्म। लेकिन टेबुलर फॉर्म यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है आपको कि ए बी सी एक सेट है और जिसमें अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट ए बी सी दिया, और या फिर वो 1, 2, 3 हो क्या गिनती हो। वेयर इज अ सेट ऑफ ए बी सी है, 1, 2, 3 इज एलिमेंट, यानी अगर किसी भी सेट को उसके डिजिट में या अदद में लिखा जाए तो ऐसे सेट को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फिर दूसरा जो सेट है वो जाहिर वो नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यह है कि एक्स इज एक्स एन ऑड इंटीजर नंबर, यहाँ पर जो ऊपर दिखाया गया था ये ऑड नंबर था, ऑड, तो यानी अगर कोई ऐसा सेट जो कि ऑड हो यानी 1, 3, 5 तो उसको ताल्लुक रखता हो से, तो उसको हम वर्डिंग में लिखेंगे वेयर इज एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इज एन ऑड इंटीजर नंबर, आल्सो नोन एज सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। इसको बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ दिखाया गया है, जबकि इसको लिखा, इसको जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है वो लिखा जाता है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर। उसके बाद नल सेट, ये भी आप पहले पढ़ के आएंगे, हम थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू कर लें। नल सेट के माने होते हैं खाली सेट, जिसका कोई ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर ना हो, अ सेट विद अ नो एलिमेंट, ऐसा वैसा है जिसका कोई एलिमेंट कोई मेंबर उसके अंदर नहीं लिखा हुआ हो, डिनोटेड बाय, इसको ऐसे लिखते हैं।
यानी फाइव को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ये इसकी संभल है। फिर उसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है ऐसा सेट जिसका हमें पहला सिरा यानी पहला अदद भी मालूम हो, लास्ट यानी एंड सेट ऑफ एंडिंग पॉइंट या एंडिंग डिजिट भी मालूम हो। स्पेसिफाइड इन अ फाइनाइट एलिमेंट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे दो सेट आपको दिखाए गए कि हमें ए ए में 1 2 3 4 यानी इसका पहला मेंबर ए भी पता है और जो इसका एंडिंग एलिमेंट है 4 वो भी पता है। ऐसा सेट जिसका हमें पहला और लास्ट एंडिंग पॉइंट भी पता हो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। नीचे दूसरे एक एग्जांपल दी हुई बी स्मॉल लेटर ऑफ ए बी सी डी, यानी इसका इस सेट के चार मेंबर शो किए जा रहे हैं जिसमें ए बी सी डी इसका हमें पहला मेंबर ए भी पता है और चौथा मेंबर डी भी पता है। इसी तरह आप आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट यानी जिसे हम उर्दू में लामतनाई सेट भी कहते हैं, जिसका हमें आखिरी सिरा नहीं पता। पहला सेट सेट का पहला मेंबर तो हमें पता हो लेकिन इसका सेट का आखिरी मेंबर हमें पता ना हो तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अ सेट विच इज अ नॉट इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल के तौर पर नीचे दिखाया गया कि ए एक सेट दिखाया गया 1 3 5 उसके आपके डॉट 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 दिखाए, इसका मतलब हमें सेट ए का पहला मेंबर ए तो पता है लेकिन हमें इसका एंडिंग पॉइंट या आखिरी सिरा नहीं पता तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसी तरह बी एक एग्जांपल दी गई है 1 2 3। इसी तरह सी दिया हुआ है कि हमें ये इंटीजर नंबर दिया हुआ है और उसका हमें ना तो हमें माइनस के नंबर पता है और ना प्लस के नंबर पता है। उसके बाद इक्वल सेट किसे कहा जाता है, इक्वल सेट फ्यूज है, इसकी निशानी आपको पता ही है, फ्यूज आप पढ़ते हुए चला रहे हैं। टू सेट हैविंग अ सेम एलिमेंट, आपका दो सेट दोनों के मेंबरों की तादाद बराबर हो, दोनों के मेंबरों की शक्ल या शेप भी एक जैसी हो तो ऐसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं। याद रखिएगा कि दो सेट दोनों के मेंबरों की तादाद भी बराबर हो और दोनों के मेंबरों की शेप शक्ल भी बराबर। जैसे नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है कि ए एक सेट है उसके चार मेंबर है ए बी सी डी, और बी दूसरा सेट है उसके मेंबर भी उसने थोड़ा सा चेंज करके मतलब उसी को आगे पीछे करके लिख दिया है, तो यानी बी सी ए डी है वही चार मेंबर है वही ए बी सी डी, ए से यहाँ पे कर दिया है बी इधर सी लेकिन वही शेप है तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। और इसको हम डिनोटेड या इसको हम जाहिर करते हैं या इसको हम लिखते हैं ए इक्वल सेट ऑफ बी, ए के मेंबर और बी के मेंबर बराबर हैं तादाद के लिहाज से भी और शक्ल के लिहाज से। फिर इसके बाद इक्वलेंस सेट। अब इक्वलेंस सेट और इक्वल में थोड़ा सा फर्क है कि टू सेट ऑफ ए और बी के यहाँ पर सिर्फ ए और बी आपका दो सेट आपको दिए गए हों मगर दोनों के मेंबर की तादाद बराबर हो लेकिन शक्ल या शेप अलग हो तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। टू सेट ए एंड बी और अ सेट टू बी आर इक्वल एंड इफ आर कॉरेस्पॉन्डिंग्स कैन एस्टेब्लिश बिटवीन दियर एलिमेंट। फर्ज कीजिए कि ए एक सेट यहाँ पर दिया हुआ है, इफ अ सेट ए इज इक्वल सेट टू अ सेट बी देन अराइव, इसको हम ए इक्वल बी सेट को ऐसे लिखते हैं कि ए ये संबल इक्वल सेट का है और बी। अब कैसे हुआ है, ए के मेंबर यहाँ पे शो कर रहा है ए बी सी डी यानी पांच मेंबर स्मॉल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर दे रहा है। अब बी के मेंबर क्या है 2 3 4 5 6 है तो वही पांच लेकिन यहाँ पर डिजिट है और यहाँ पर अल्फाबेट है तादाद के लिहाज से बराबर। इसी तरह सी आगे जाते हैं, सी के मेंबर एक्स वाई जेड यू डब्ल्यू यहाँ भी पांच मेंबर है लेकिन शक्लें सबके अलग है, वो स्मॉल अल्फाबेट है फर्स्ट फाइव स्मॉल लेटर ये बात के हैं और ये डिजिट है, इसलिए ये तमाम सेट इक्विवेलेंट मेंबर के लिहाज से कि तमाम ए बी सी मेंबर सेट के मेंबर की तादाद पांच फाइव यानी फाइव फाइव है इसलिए शक्लें इनकी मुख्तलिफ है। ये ए इक्विवेलेंट सेट है बी का और पी इक्विवेलेंट सेट है सी का, तो पी अगर इज इक्वल टू अगर यहाँ पर दिखाया गया एक दूसरी एग्जांपल जो को ये तो ये इक्विवेलेंट सेट की है, अगर नॉट इक्विवेलेंट है तो वो कैसा होगा कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ पी 1 3 0 इसके तीन मेंबर हैं और यहाँ पर दूसरा सेट दिया हुआ क्यू उसके मेंबर है 3 2 1 5 यानी चार दिए हैं तो इसको हम ऐसे शो करेंगे पी नॉट इक्विवेलेंट ये संबल है। इक्विवेलेंट के बाद अगर उसके अंदर आप लाइन लगा देंगे तो ये नॉट इक्वल का संबल कराएगा कि क्यू और क्यू के मेंबर चार हैं पी के आधार चार मेंबर पी के होते हैं और चार ही मेंबर क्यू के होते तो इक्विवेलेंट सेट का लिहाजा नहीं है, पी के थ्री मेंबर हैं और क्यू के फोर मेंबर हैं इसलिए ये नॉट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। उसके बाद सबसेट, सबसेट भी आप एट के अंदर पढ़ के आए सबसेट
set of A is said to be a subset of B if every element is also element of B, we use a notation. इस यहाँ पर जो ये चीज बता रहा है, इसको मैं उर्दू में थोड़ा डिफाइन कर दूँ कि ये कह रहा है कि A सेट के मेंबर अगर B सेट में मौजूद हो, यानी A सेट छोटा हो और B सेट बड़ा हो, उसके और A सेट के तमाम मेंबर B में मौजूद हो, तो ऐसे सेट को हम सबसेट कहते हैं। और उसको जाहिर या लिखने का तरीका यह है, जो A सबसेट संभल B। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट खाली सेट किसी भी सेट का सबसेट कहलाता है, एवरी सेट। फिर उसके बाद जब प्रॉपर सबसेट में ए एक सेट दिया हुआ है, उसके मेंबर है 1, 2, 3। बी दूसरा सेट दिया हुआ है, उसके मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 जे में। देन तो इसको हम जो छोटा सेट होगा यानी ए जिसके मेंबर 3 है 1, 2, उसको हम पहले लिखेंगे। और प्रॉपर सबसेट का जो संबल है वो ये है जो एरो के ऊपर, और बी जो बड़ा मेंबर है उसको बाद में लिखा जाएगा। अब पहला जैसे ऊपर लिखा था कि नल सेट इज सबसेट, तो पहला हमेशा नल सेट बनेगा सबसेट। दूसरा देखिए 1, 1, ये 1, 1, फिर इसके बाद 1, 2, 1, 2, 1, 2, फिर 1, 3, 1, 3। फिर क्योंकि यहाँ पे ए के सेट 3 भी आगे खत्म हो गए, लेकिन बी के अभी 2 मेंबर 4 और 5 इंडिविजुअल बाकी हैं, उनको इंडिविजुअल लिख देंगे। तो ये जो मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा सेट जो कि दूसरे सेट से छोटा हो, यानी यहाँ पे जो सवाल में एग्जांपल में दिखाया गया है कि ए एक सेट है उसके मेंबर 3 है, और बी एक सेट दूसरा सेट दिखाया गया उसके मेंबर 5 है, उसको लिखने का तरीका ये है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको लिखने का पहले आप ए लिखेंगे स्मॉल सेट को, और फिर प्रॉपर सबसेट की निशानी देंगे, और फिर बी इस तरह से। फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखेंगे, यहाँ पे सवाल आपसे कर रहा है कि यूज अ बोथ टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म ऑफ स्पेसिफाई ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए जो 4 सवाल दिए हुए, इनको आप दो क्या कहते हैं सेट में या दो फॉर्म में चेंज कीजिए, एक टेबुलर है और दूसरा बिल्डर फॉर्म है। पहला सेट यानी ए यहाँ पर शो कर रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम जेड से शो करते हैं। देन ग्रेटर देन जो 2 से बड़ा हो, और लेस देन 6 जो 6 से छोटा हो, इन 2 से बड़ा अगली गिनती होती है 3, 4, 5, और 6 से छोटा 5 है। तो पहले इसको टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबलर फॉर्म ए, क्योंकि पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि 2 से बड़ा, 2 से अगली गिनती है 3, 4, और लेस देन 6 से छोटा लिखना है, 6 से लेस देन जो गिनती है वो 5 तो हम लिखते हैं, इसे सेट को क्लोज कर देंगे, ये कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। अब इसी फॉर्म को अगर हम जो 3, 4, 5 है इसको हम बिल्डर सेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अब ये तमाम मेंबर 3, 4, 5 को हम अज्यूम या फर्ज करते हैं ये एक्स है, तो यहाँ पर शो करा एज सच डेट, ये संबल सच डेट है, जैसे जिसे हम उर्दू में कहते हैं ये एक्स बिलोंग यानी ताल्लुक रखता है जेड इंटीजर नंबर, यहाँ पर देखा था इंटीजर नंबर, तो इसलिए इंटीजर नंबर को शो करते हैं जेड से। प्लस पॉजिटिव इंटीजर नंबर कह रहा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस की समर शो कर रहा है, और 2 क्योंकि पहले कह रहा है 2 लेस देन है, यहाँ पर एक्स है, लाजी बात है 2 छोटा होता है हमेशा 3, मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो 3, 4, 5 को हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं, तो ये 2 जो है 3 से छोटा होता है, इसलिए स्मॉल देन की जानी ठीक है। और फिर यही एक्स जो कि 5 है, तीनों 3 भी एक्स फर्ज किया हुआ है हमने, 4 को भी एक्स फर्ज किया हुआ है, 5 को भी, फिर यही एक्स लेस देन द संबल सेम 6, यही जो 5 है एक्स यहाँ पे वो 6 से छोटा है, जो कि सवाल की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि जो 2 से बड़ा 2 से बड़ा ये 2 से बड़ा है एक्स, और फिर यही एक्स लेस देन 6 यही है जो आगे 5 बनता है, लेस देन 6 है, ये बिल्डर फॉर्म कहता है। अब क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेस देन 20, वही इंटीजर नंबर को ले रहा है और कह रहा है लेस देन 20 से छोटे लिखे, मगर कौन से 20 तक लिखेंगे आप, जो डिवाइजेबल बाय 5, जो 5 के टेबल में आते हों या 5 के या 5 से डिवाइड हो जाते हों, 1 से लेकर 20 तक, आप 20 से पहले ऐसी गिनती को आप चूज कीजिए जो 5 के टेबल में आती हो। अब टेबल फॉर्म में लिखें,
तो देखा जाए तो पहला अगर जो 5 के टेबल में आता है 5, फिर उसके बाद 5 के टेबल पे 5 टू 10 15, क्योंकि लेस देन कह रहा है 20। अगर वो इक्वल 20 का था तो हम यहाँ पर 20 भी लिख देते, लेकिन लेस देन 20 कह रहा है इसलिए हमें लेस देन 15 मतलब 15 तक आना है। ये टेबल फॉर्म है, यानी वो आता है जो 5 के टेबल में आता हूँ, लगभग लेस देन हो 20 से 5 10 15 ये टेबल फॉर्म। अब इसी फॉर्म को चेंज करना है हमें बिल्डर सेट में। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 10 15 को हम अगर y सपोज कर लें, तीन को इसको भी 5 को y 10 को भी y 15 को, तो यहाँ पर इसको y फर्स्ट किया है तो शो करेंगे y such that y belong to z इंटीजर नंबर, वही पॉजिटिव इंटीजर नंबर इसलिए z प्लस आएगा, और y इज अ लेस देन 20, जो ये तमाम y हैं जो 5 10 15 है ये लेस देन किससे 20 से। यहाँ पर सवाल में खुद ही अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि 20 से छोटे, मगर इज डिवाइजेबल बाय 5, मगर वो हमने आदत लिखे हैं 20 से लेस देन जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हो या तकसीम हो जाते हो। फिर इसी सवाल का इन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का सी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, नेचुरल नंबर लिखिए 4 और 12 के दरमियान, यानी 4 और 12 के दरमियान, यानी 4 के बाद से जो भी नेचुरल नंबर आता है यानी 5, और काउंट लिखते चले जाइए 12 से छोटे दरमियान 4 और 12 के बीच। तो यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म में पे लिखते हैं क्या सी, कोई भी नाम देते हैं आप सेट को जाहिर करने के लिए, आप ए से लेकर जाहिर तक कोई भी क्या कैपिटल अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेबल नंबर सी से शो कर रहा है, अब 4 और 12 के दरमियान हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो 4 के बाद 4 और 12 के दरमियान 5 6 7 8 9 10 11 दरमियान यही बनता है 4 से लेकर 12 तक के दरमियान नेचुरल नंबर 5 टू 11, ये आपका कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। उसके बाद इसी सवाल को इसी टेबुलर फॉर्म को हम बिल्डर सेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर यही जो तमाम 5 से लेकर 11 इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, तमाम मेंबर को हम x मान रहे हैं 5 से लेकर 11 को, x such that x belong to, यहाँ पर सवाल में कह रहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं इसलिए n लिखेंगे, और 4 क्यों 4 लेस देन, यहाँ पर निशानी लाजी बात है, यहाँ पर जो पहला x है वो 5 है और 5 x 4 से बड़ा है, तो 4 लेस देन x, ये हम मैंने पहले ही बताया हमने 5 से लेके 11 तो को x फर्स्ट किया हुआ है, तो ये सवाल में क्या 4 छोटा है x है जो कि यहाँ पर 5 है, और फिर यही x जो आगे जाके 11 पर 11 भी x माना हुआ है, तो x लेस देन 12, यानी x जो कि 11 है वो छोटा है 12 से, ये बिल्डर फॉर्म। अब इसी सवाल का डी अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, पहले 6 प्राइम नंबर लिखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं प्राइम नंबर कहते हैं किसे, प्राइम नंबर कहते हैं वो अदर या वो गिनती या डिजिट का सेट जो किसी अपने टेबल में आता हो किसी और टेबल में आता हो। टेबल फॉर्म में पहले 6 क्या रहा है तो उसको हम डी से शो कर रहे हैं, अगर चाहें तो आप आपकी मर्जी है आप उसको पी से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर को हम पी से जाहिर करते हैं, आप उसको डी के बजाय पी भी ले सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर हमने लिख लिए। अब इसी सेट को हम टेबल फॉर्म में शो करेंगे बिल्डर सेट में, सॉरी, तो क्या आएगा एज सच दैट बिलोंग टू, क्योंकि प्राइम नंबर को हम पी से शो करते हैं इसे पी, और 2, अब 2 यहाँ पर कि पहले 6 कह रहा है और यहाँ पर ना तो ये लेस देन कह रहा है ना इक्वल देन कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा था कि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, तो 2 जो यहाँ पर है वो या तो इक्वल है या लेस देन है, इक्वल है या लेस देन है x है जिसको हमने फर्स्ट किया हुआ, यहाँ पर x है, ये 2 भी x है और 13 भी x है यहाँ से याद हो, और यही x जो कि इक्वल है या लेस देन है 13 के, क्लियर। आगे चलते हैं, विच आर आर द फॉलोइंग आर नल सेट, इसमें से कौन से खाली सेट हैं जिनके कोई मेंबर नहीं है। पहला सवाल यहाँ पर आपसे कह रहा है एक्स इज एक्स ए लेटर, के एक्स एक ऐसा अदद है इंग्लिश का लेटर जो हमने फर्स्ट किया हुआ है, प्लेस अ बिफोर ए, क्या ए से
क्या आप बता सकते हैं कि ए अल्फाबेट जहाँ से हमारी इंग्लिश अल्फाबेट शुरू होती है उससे पहले भी कोई इंग्लिश का अल्फाबेट आता है? यहाँ पर यही कह रहा है कि एच इज अ लेटर ऑफ द प्लेस बिफोर ए, के इंग्लिश अल्फाबेट में ए से पहले आने वाला इंग्लिश अल्फाबेट लिखें। तो ऐसा कोई सेट नहीं है कि इंग्लिश अल्फाबेट ए से शुरू होती है, इसलिए ये सेट नल सेट कहलाएगा। नल सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक ये संभल है और दूसरा ये संभल, यानी आप कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं उसके अंदर खाली कर्ली ब्रैकेट। तो ये सेट को लिखने के दो तरीके हैं, दिस एंड दिस। ए इज अ नल सेट, ए जो ये सेट है नल सेट है क्योंकि ए से पहले इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं आता। एज देयर आर नो लेटर बिफोर अ ए इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब क्वेश्चन नंबर बी, एक्स सच दैट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव। अब ये कह रहा है x एक ऐसा अदद x में जमा करें कि बराबर बराबर फाइव आ जाए, जो कि सवाल में। अब लाजमी बात है जो आप कोई भी अदद शुरू करेंगे वो नेचुरल अदद पहली गिनती वन है। अगर यहाँ पर आप x की जगह वन जमा करेंगे, वन प्लस फाइव तो सिक्स हो जाएगा और सिक्स फाइव के बराबर नहीं होता। जीरो शो करेंगे, जीरो है नहीं कि नेचुरल नंबर, तो ये सेट भी खाली कराएगा। ये सेट भी इसको शो करेंगे नल सेट और नल सेट। बी इज अ नल सेट, नल सेट है एज अ बी, क्योंकि बी का जीरो इज एन अ मेंबर ऑफ जीरो। यहाँ पर एक सेट का कोई मेंबर अगर जीरो होगा तो हम उसको जीरो लिखेंगे, क्योंकि अगर बी एक सेट है और पी जीरो एक्स अगर जीरो होगा तब वो फाइव होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बी इज अ नल सेट, खाली सेट को शो कर रहा है, कोई इसका मेंबर नहीं दिया हुआ, ना तो जीरो ना वन, तो इसलिए ये खाली सेट कहलाएगा। बी इज अ नल सेट, इसका कोई मेंबर, क्योंकि हम कोई भी अगर एक भी जमा करेंगे तो ए वन प्लस फाइव सिक्स के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जबकि फाइव दिया हुआ है, इसलिए ये सेट नल सेट कहलाएगा। सी एक्स इज अ लेस देन अ सेवन एन अ ग्रेटर देन। सवाल आपसे कर रहा है कि ऐसा सेट बताएं जो कि लेस देन सेवन से छोटा हो एंड ग्रेटर देन एट, एट से बड़ा हो। यानी एक अदद आप बताएं जो वो सेवन सात से भी छोटा हो आठ से, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि ऐसा अदद जो सात से छोटा भी हो और वो ही अदद एट से बड़ा भी हो। तो ये सेट भी नल सेट कहलाएगा। नल सेट ए इज अ नल सेट, क्योंकि ऐसा एज अ दी एज अ नो मेंबर, ऐसा कोई मेंबर, ऐसा कोई गिनती, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो कि सात से भी छोटा हो, जैसे बोथ अ लेस देन सेवन एंड ग्रेटर देन एट, जो कि आठ से बड़ा हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है, इसी क्वेश्चन नंबर टू का डी, एक्ट इज अ पास्ट प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज अ वुमेन। पाकिस्तान की मुस्तकबिल करीब में या पास्ट में, सॉरी पाकिस्तान के 72 साल तारीख में, 33 साल में तारीख में पाकिस्तान की ऐसी सदर का नाम बताएं जो कि खातून हो। तो पाकिस्तान की ऐसी कोई खातून सदर अभी तक नहीं बनी जो सदर के अहदे पर फाइज हों, तो ये भी नल सेट कहलाएगा। जिसको भी आप नल सेट कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अभी तक प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान वुमेन कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द दिस सेट आर फाइनाइट एंड विच आर फाइनाइट। इन इंग्लिश में से कौन से सेट खाली हैं, सॉरी कौन से ऐसे सेट है जिनका हमें पहला सिरा ही पता हो और इसका हमें आखिरी से तो सिरा भी पता हो, यानी आखिरी कौन डिजिट भी पता हो जो इसे हम काउंटेबल कर सकें, जिसके हमें जवाब आखिर से लेके बाद। अब यहाँ पहला कह रहा है सेट द मंथ ऑफ द ईयर, इसका जवाब कह रहा है फाइनाइट। अब कैसे इसका मंथ ऑफ द ईयर, ये साल के महीने, आप लाजी बात साल के महीने आप काउंटेबल कर सकते हैं। साल के महीने 12 होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो हमें पहला मेंबर भी पता है कि ईयर साल का पहला महीना जनवरी और लास्ट जो है वो दिसंबर है, इसलिए काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाता है। दूसरा है बी द डेज इन द ईयर। अब डेज है कि साल में कितने दिन होते हैं, सबको पता है कि साल में 365 डेज होते हैं, 365 दिन गिन सकते हैं, यानी वन से लेकर 365 काउंट करें तो हम पहली गिनती भी हमें पता है और 365 सब कुछ है। किसी से भी आप अगर मालूम करेंगे ईयर ऑफ द डेज कि साल में कितने डेज होते हैं, तो सब एक ही जबान बोलेंगे या एक ही जवाब आएगा सबके पास है कि 365 डेज, तो इसलिए ये सेट भी फाइनाइट कहलाता है, कहलाएगा। फिर तीसरा द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी आपकी क्लास के स्टूडेंट। लाजिम है अगर मैं अगर मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हूँ तो मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट में अगर 30 बॉयज हैं तो लाजिम है उन्हीं को काउंट करूँगा। तो यह हमें सवाल यही कर रहा था स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कि आपकी क्लास के या स्टूडेंट आपके
जो आपके जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उन बच्चों की तादाद बता दी, मैं तो पता है एक से लेकर 30, तो ये भी फाइनल सेट है, उसको हम काउंट कर सकते हैं कि एक क्लास में मैट्रिक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं वन से लेकर तो उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट भी फाइनल चलाएगा। अब यहाँ पर डी पर आ जाइए, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 यहाँ पर फिर इसके बाद डॉट डॉट दिए हुए, ये दिया हुआ इवन नंबर है, लेकिन इसके बाद हमें पहला सिरा तो पता है कि 2 है, लेकिन हमें इसका आखिरी सिरा नहीं पता कि कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, नहीं पता एंडिंग एलिमेंट नहीं पता हमें, तो यह ऐसे सेट जिसका हमें लास्ट पार्ट नहीं पता हो, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट कहते हैं, जिसमें ये शो भी कर रहा है कि इनफाइनाइट सेट है। इसके आपसे आपने लिखना है, लिखा कोई इसमें सोल्यूशन नहीं है, आपने बताना है, और आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसा ऐसा सेट मेंबर जिसका हमें पहला सिरा भी पता हो आखिरी सिरा भी पता हो। फिर इसके बाद ई है, ये आपसे सवाल कर रहा है द सेट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ऐसा एक नुक्ते से पास होने वाली लाइनों का सेट। अब एक नुक्ता अगर आप कोई एक नुक्ता डॉट डालें से आप बेशुमार लातादा लाइनें से पास कर सकते हैं, उस एक नुक्ते से आप मुख्तलिफ वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी क्रॉस भी जैसे मुख्तलिफ, तो इसलिए काउंटेबल नहीं हो सकती कितनी लाइनें आप एक नुक्ते से पास कर सकते हैं, इसलिए यह भी इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फिर उसके बाद एफ है सेट ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू टू लाइंस पॉइंट, हाँ दो लाइनों से, ये कह रहा है दो लाइनों से कितने लाइन पास हो जाएंगी, दो डॉट से दो नुक्तों से, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, मगर इसमें से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाता है कि दो नुक्ते चाहे आपने वर्टिकल लगाए हों चाहे आपने हॉरिजॉन्टल लगाए हों उसमें से एक लाइन ही पास हो सकती है। एज अ पॉइंट इंडिकेट अ पॉइंट पोजिशन इट हैज अ नो लेंथ और विथ अ डेप्थ ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन बी अ पास थ्रू अ पॉइंट, एक दो नुक्तों से एक लाइन पास हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन एज यहां पर एक सेट दिया हुआ है एक्स ऐसा जेड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज रिपोर्ट टू पॉजिटिव जो इन जेड 1, 2, 3 पॉजिटिव 1, 2, 3। अब ये नहीं बता रहे हैं कहा था फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, एस के प्रॉपर सबसेट यानी उससे छोटे में सेट बनाने डेट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए, जिसको हम ए से ए का नाम देंगे। सवाल में वेयर इज ए एक्स सेट जेड एक्स एन इंटीजर लेस देन 3, क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि एक सेट है एस उसके मेमोरी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है एक्स, अब ये नहीं बताया कि तो हमने यहाँ पर सवाल को लिखा है, अब मान लेते हैं कि वेयर इज ए एक्स एक्स वो मेंबर है एक्स सच डेट एक्स एंड इंटीजर लेस देन 3 लेस देन 3, तो सॉल्यूशन यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो पहले सवाल में दे रहा है एक्स पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 से तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसकी तादाद इसने नहीं बताई, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट के तौर पर शो करेंगे। और फिर हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि एक एक ऐसा सेट लिखिए इंटीजर नंबर जो कि 3 से छोटा हो, 3 से छोटा राजी इंटीजर नंबर 1 और 2, ठीक 1 और 2 हम लिखेंगे। अब इसी का प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट एस डेट आर आल्सो सबसेट, यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर सबसेट ऑफ एस डेट आर आल्सो सबसेट, कि यहाँ पर ए का आप सबसेट बनाएं, यानी ए के आप से कितने सबसेट बना सकते हैं, तो सबसे पहले ए के आप 5 बनाएंगे, फिर इसका आप 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 और फिर आप 1, 2 सबसेट, यानी ए के 4 सबसेट बन सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 यूज द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन एग्जांपल ऑफ नल सेट, के नल सेट को लेते हुए आप बिल्डर फॉर्म लिखिए, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म ऑफ नल सेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक कोई नल सेट या खाली सेट है जिसका कोई मेंबर नहीं है, उसको बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करेंगे। एक्स एजेड एक्स पॉजिटिव नंबर एक्स इज नेगेटिव, वो कह रहा है ऐसा गिनती लिखिए जो कि प्लस की भी हो माइनस की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम 1 लिख रहे हैं तो वो प्लस का भी 1 हो माइनस का भी 1 हो, तो ऐसा आता ये नल सेट कहलाएगा। तो ये बिल्डर फॉर्म को लिखने में लिखने का तरीका नल सेट को ऐसे है एक्स एजेड एक्स पॉजिटिव, कि ऐसा इंटीजर नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो और वही इंटीजर नंबर जो कि हमें फर्स्ट किया है वो नेगेटिव भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। इन वर्ड इसको लफ्जों में हम इसको ऐसा बयान करते हैं ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ए का मेंबर अगर एक्स है सच दैट एक्स इज पॉजिटिव
एन एक्स इज अ नेगेटिव, तो ये कैसे हो सकता है कि x जो कि a का एक मेंबर है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, a इज अ एन एम्प्टी, तो इसलिए ऐसा ही सेट जो a होगा वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, यानी खाली सेट कहलाएगा, तो कोई मेंबर नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट में पहले पढ़ गए इक्वल और इक्वलेंट, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं दोबारा रिव्यू करूँ, इक्वलेंट सेट कहते हैं कि दो सेट हों उनके मेंबरों की तादाद बराबर हो, तादाद बराबर हो, शक्लें भले मुख्तलिफ हो लेकिन तादाद बराबर हो। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है ए एक सेट दिया हुआ है ए बी सी, यानी तीन पर मुश्तमिल है ए बी सी, बी दूसरा सेट दिया हुआ है वो मुश्तमिल है डिजिट पर 1, 2, 3, मेंबरों की तादाद दोनों की बराबर है 3, 3 ये 3 और 3 लेकिन शक्लें शेयर मुख्तलिफ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए ए बी सी, बी द 1, 2, 3 नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ ए सेट के 3 मेंबर है, नंबर ऑफ बी 3 है, तो इसको लिखने का तरीका ये है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इसको लिखेंगे ए इक्विवेलेंट सेट का संबंध बी के दोनों के सेटों के मेंबर की तादाद 3, 3 है, शेप अलग है इसलिए इक्वलेंस सेट कहलाएगा। बी बी सवाल क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी, उसके ए एक सेट दिया हुआ उसके मेंबर है 1, 2, 3, 4 यानी 4 मेंबर दिए हुए, और बी दूसरा सेट दिया हुआ उसके मेंबर है ए बी सी यानी 3 मेंबर दिए हुए, यहाँ पर मेंबरों की तादाद में फर्क है, ए के 4 मेंबर है बी के ए नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ बी 3, तो ये ए नॉट इक्वल बी बी के बराबर नहीं है, ए एंड बी आर ए नॉट इक्वलेंट सेट और ए इक्वलेंट ऑफ बी, ठीक ये पहले सेट के बारे में बता रहा है जो आपने ए किया था ए इक्वलेंट बी, मगर दूसरा सेट नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर सी, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेस देन 6, के ए एक सेट है जिसको बिल्डर फॉर्म में लिखा, सवाल आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि एक इंडी नंबर ए एक सेट है जिसके मेंबर 6 से छोटे हों, वो यहाँ पर हम शो कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटे। बी एक सेट है जो कि ए ई आई ओ यू है जो कि वॉवल कहलाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उसके मेंबर ये है यहाँ पर शो कर रहा है ए ई आई ओ यू, ठीक इसके मेंबर भी ए के 5 है 1, 2, 3, 4, 5, बी के मेंबर भी 5 है ए ई आई ओ यू इन वॉवल, नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ सेट बी बराबर है, ए एंड बी आर इक्वल, तो ऐसे सेट जिनके दोनों सेटों के मेंबर की तादाद बराबर हो, शक्लें भले मुख्तलिफ हो शेप वो इक्वल सेट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पर ए एक सेट दिया हुआ है आपको ए बी सी डी यानी 4 एलिमेंट पर मुश्तमिल है ये सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ए के प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट मतलब इसके ए के अंदर से कितने सेट बन सकते हैं इस ए के, तो सबसे पहले कोई प्रॉपर सेट या सबसेट बनाते हैं वो 5 बनता है, फिर आप सिंगल ए बनाएंगे, सिंगल बी, सिंगल सी, सिंगल डी, फिर उसके बाद ए बी, फिर ए सी बनेगा, फिर ए डी बनेगा, फिर बी सी, फिर बी डी, बी सी, बी डी, फिर उसके बाद सी डी, सी डी, फिर ए बी सी, ए बी सी, जिस तरह हम पावर सेट करते हैं, फिर उसके बाद ए बी डी, ए बी डी, फिर उसके बाद बी सी डी, और आखिर में है ए सी डी, कोई मेंबर डबल नहीं आएगा, और ये मेंबर की तादाद 15 होगी, यानी कोई भी अगर आप किसी सेट ऐसा सेट जिसके 4 मेंबर हो उसके आप प्रॉपर सबसेट बनाना चाहें तो 15 बनेंगे, आखिरी मेंबर जो कि ए बी सी डी वो नहीं लिखेंगे वो सेट, तो इसलिए 15 मेंबर ये कहलाता है प्रॉपर सेट। अब दूसरा सवाल कह रहा है इसी सवाल को आप एन इम्प्रॉपर सेट बनाइए, इम्प्रॉपर सेट यानी जितने सेट ए के हैं उतने ही सेट आपके दूसरे सेट के हों ए बी सी डी, ये इसका सोल्यूशन पूरा पूरा जो सेट होगा ए बी सी चारों मेंबर, और उसका आप अगर इन प्रॉपर सेट बनाएंगे तो आपको चारों मेंबर लिखना होंगे ए बी सी डी, ये इसका आंसर है बी का। नंबर सी, टू सेट, अगर दो सेट आपको दिए बी एंड सी डेट आर सबसेट ऑफ ए के दोनों, यो ए हमारे को दिया, इसी सवाल को लेकर चल रहे हैं ए बी सी डी जो कि 4 मेंबर, कह रहे हैं जो बी आप दो मजीद सेट दे दिए जाए बी और सी जो कि सबसेट हो यानी छोटे हों ए से सच डेट, तो उसको कैसे लिखेंगे बी यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, सॉल्यूशन उसका कैसा होगा, लेट पी छोटा होगा
क्योंकि प्रॉपर सबसेट में छोटे अरकान को पहले लिखते हैं सेट को, बड़े सेट को बाद में लिखते हैं। तो बी, बी के मेंबर हैं ए बी, और जो सी है जो कि बड़ा मेंबर बड़ा सेट है उसके मेंबर ए बी सी है, देस फॉलो। तो इसको लिखने में ऐसे लिखते हैं जो छोटा सेट होगा यानी बी वो पहले लिखे जाएगा, फिर उसके बाद निशानी आएगी प्रॉपर सबसेट की, सबसेट की वो सी और फिर सी ये आंसर। फिर उसके बाद डी में आपसे पूछा है टू सेट, अगर आपको दो सेट फिर आपको कह रहा है कि बी एंड सी दिए हुए डेटा सबसेट ऑफ ए, वो ए के सबसेट हैं, तो फिर बी क्योंकि छोटा ही है पहले जैसे, मगर अब निशानी थोड़ी चेंज आ गई सबसेट के सी से, यहाँ पर भी छोटा सेट पहले जाएगा लेकिन सबसेट की निशानी ये प्रॉपर सबसेट की निशानी थी और ये सबसेट की निशानी है। ठीक, सॉल्यूशन बी ए बी जो कि है छोटा सेट है सी ए बी सी, तो उसको लिखेंगे कैसे जैसे फॉलो। अब इसको आपको लिखना है सबसेट में, ठीक है सबसेट में बी सबसेट ऑफ सी, ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए ए बी सी हैंड हेयर अदरवाइज फाइंड अ पावर सेट। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि सबसेट मालूम कीजिए ए, ए के मेंबर आपके पास चार शो किए हुए ए बी सी डी इन चार, और फिर ये कह रहा ये सबसेट को हम दूसरे लफ्जों में पावर सेट भी कह सकते हैं कि मालूम कीजिए ए जिसके मेंबर चार इसके कितने पावर सेट बनेंगे, पावर सेट कितने बनेंगे। तो जैसे मैंने बताया पहला हमेशा फाइव बनता है, फिर सिंगल ए बनेगा, फिर सिंगल बी सी डी ई, फिर इसके बाद सिंगल और मुमकिन नहीं है, फिर डबल करेंगे हम ए बी ए सी ए डी, फिर इसके बाद बी सी बी डी, फिर इसके बाद सी डी, अब डबल मुमकिन नहीं है, उसके बाद हम तीन तीन का सेट बनाएंगे ए बी सी ए बी सी, फिर ए बी डी ए बी डी, फिर उसके बाद ए सी डी ए सी डी, फिर इसके बाद बी सी डी बी सी डी, और आखिर में हम जो पूरा सेट है ए बी सी डी वो लिखेंगे। इस तरह से एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ऑफ फोर हैं ए बी सी डी, ऐसे सेट का पावर सेट 16 अरकान पर मुश्तमिल होगा। आप तो ये आपका जवाब 16 सबसेट या 16 पावर सेट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन इज देयर एनी अ सेट विच हैज अ नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस ऐसे भी स्पेसिफाई सेट, यस अ नल सेट हैज अ नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा खाली सेट जिसका कोई मेंबर नहीं हो उसका प्रॉपर सबसेट, क्योंकि पहला हमारा खाली बनता है इसलिए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर एट फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट, एक ऐसा सेट सिर्फ एक वन प्रॉपर सबसेट बताएं। अब यहां बताया ए इज अ सेट विच इज ओनली वन एलिमेंट, एक ए एक सेट का नाम, हमेशा सेट को इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल से शो करते हैं, कह रहा है ए एक सेट है उसका मेंबर एक है वन, जो कि यहां पर दिखाया गया है ए एक सेट है उसका एक, कह रहा है इसका सबसेट जाती बात है ये सबसेट। अभी हम पढ़ गए सबसेट या पावर सेट जिस जब हम बनाने लगते हैं सबसे, तो पहला हम फाइव बनाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम ए जिसका एक एलिमेंट है पहला अगर सबसेट बनाएंगे तो वो फाइव होगा, तो हमारा एक बनाने को कह रहा है पहला ओनली वन प्रॉपर, तो पहला फाइव बनता है, अगर वो दो कहता तो दूसरे में हम एक दूसरे से दूसरा बनाते हैं वन का, तो एक कह रहा है इसलिए पहला फाइव बनता है। क्लियर, अब यहाँ पे सवाल थोड़े से ऐसे ही हैं जो आपसे बहुत लाइटली है, इफ एन नंबर ऑफ देन टेन अ पावर सेट, यहाँ पर पूछ रहा है एक अगर सेट आपके एक सेट है उसके 10 मेंबर हैं, 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट दिए हुए सेट के, तो बताएं उसके कितने पावर सेट बनेंगे। तो लाजमी बात है 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
पावर सेट बनेंगे, जो कि सिर्फ बताने की हद तक तो सही है लेकिन उसको कॉपी पर राइट करने के लिए बहुत टाइम गेन होगा। तो वो यही पूछ रहे थे आपसे कि बताइए
कि ए एक सेट है, उसके मेंबर की तादाद 10 हैं, तो उसके कितने पावर सेट बनेंगे? तो आप इसको कह देंगे 2 को 10 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 1024 आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यूज द बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन एग्जांपल ऑफ ए नल सेट। नीचे दी हुई जो बिल्डर फॉर्म है इसको आप खाली यानी नल सेट एम्प्टी सेट में कैसे तैयार करेंगे? अगर बी इज अ नल सेट, अगर एक सेट बी है वो खाली है, इसका कोई मेंबर नहीं है, सेट दैट इज अ बिल्डर नोटेशन कैन बी रिटन, तो उसको हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कि फर्स्ट करें कि बी जो कोई मेंबर ही नहीं, खाली है, एक्स बिलोंग टू पी सेट से, एक्स एट एक्स बराबर 4। तो लाजमी बात है जब पी का कोई मेंबर ही नहीं है वे, तो वो हम जब मेंबर नहीं है तो हम वहाँ पे कोई मेंबर एक्स के यहाँ पर रखेंगे नहीं, तो वो लाजमी बात है वो जो मेंबर है कोई है ही नहीं, तो वो कहते 4 के बराबर हो सकता है, जबकि वो यहाँ पे खुद मेंशन कर रहा है बी इज अ नल सेट, बी का कोई सेट नहीं खाली है, खाली सेट के बाद कोई भी यहाँ पे आप कोई भी अदद नहीं लिखेंगे, जब नहीं लिखेंगे तो वो 4 के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये नल सेट कराएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द सेट ऑफ ए 1 2 3 4, फाइंड अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, देन फाइंड अ प्रॉपर सेट ऑफ सी ऑफ बी, देन फाइंड अ प्रॉपर सेट ऑफ डी। तो ये सवाल क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि कह रहा है कि एक सवाल सेट दिया हुआ, उसके मेंबर है 1 2 3 4, फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ देन ए, तो इसका प्रॉपर सबसेट मालूम कीजिए ए का, लादी बात इसको कैसे मालूम करें, और फिर इसी बी का प्रॉपर सबसेट मालूम कीजिए सी ऑफ बी का, मीनिंग देन फाइंड अ प्रॉपर सेट ऑफ डी एसी। तो पहले लेट अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए का हमने सबसेट बनाया बी जिसका नाम दिया 1 2 3, यानी छोटा मेंबर, ए के मेंबर 1 2 3 बहुत छोटा बी, तो बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, पहला छोटा मेंबर लिखा था प्रॉपर सेट में और फिर बाद में बड़ा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अब बी का बनाना है बी के 1 2 3 है सी, अब सी लाते उससे छोटा होगा लाजी बात है उससे छोटा बनाएंगे तभी प्रॉपर, तो सी का मेंबर 1 2, इन्हें बी में से 1 2 लिया, आई में से मिसाल के सी छोटा सेट है सी 1 2, बी बड़ा है 1 2 3 1 2, अगेन प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, अब इसी तरह सी में से आप डी बनाएंगे, आप कोई भी एक ले लेंगे डी का, एक अदर ले लिया डी, अब टी क्यों छोटा अदद है 1 पर मुझसे मिले, और सबसे प्रॉपर सबसेट की निशानी लिखी क्योंकि बी बड़ा है 1 2, इसलिए ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट, इसमें पूछ रहा है कौन से इक्विवेलेंट सेट, ए में आपको दिया हुआ है सेट ए बी सी और बी 1 2 3, दोनों के सेट और मेंबर दादा बराबर है, नंबर ऑफ 3 नंबर 3, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट, ए नंबर ऑफ बी और सी, तो ये क्या ए इक्विवेलेंट बी, दोनों के मेंबर बराबर है, शेयर अलग है बने लेकिन इक्विवेलेंट सेट, ए इक्विवेलेंट सेट बी। फिर दूसरा सेट कह रहा है ए 1 2 3 4, ए एक मेंबर है उसके 4 है, बी उसके मेंबर 3 है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट आएगा, आप चाहें तो इसको ए ये इक्विवेलेंट की निशानी के बाद आप लाइन दे देंगे तो ये नॉट इक्विवेलेंट, यानी ए नॉट इक्विवेलेंट बी, ए और बी नॉट इक्विवेलेंट, दोनों के सेटों के मेंबर की तादाद भी बराबर नहीं है, ठीक। फिर तीसरा सवाल ए जो कि बिल्डर सेट में दिया है, ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, के ए एक सेट है जो कि लेस देन 6 से छोटा हो, यहाँ पे हमने ए एक सेट लिखा 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, और बी से सेट दिया हमें पहले दिया हुआ है ए ई आई जो कि वॉविल है, दोनों के सेटों के मेंबर ऑफ 5 है, तो ए नंबर ऑफ 5 बी नंबर ऑफ 5, ए इक्वल सेट ऑफ बी, ए और बी इक्वल सेट है एक दूसरे के।